क्या आपकी सांस फूलने लगी है? आंखों से खून की नदियां बह रही है, कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। शायद आप लोगों ने गलती से राधे फिल्म देख लिया है। तो आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं वो है राधे द मोस्ट वांटेड भाई का, स्टार्टिंग में सलमान खान, दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा, विच इज डायरेक्टेड बाय प्रभु देवा। और ये जो मूवी है वो मूवी एक ऑफिशियल हिंदी रीमेक है कोरियन मूवी आउटलॉस का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेस 3 से लेके सल्लू भाई का जो फ्लॉप का जर्नी स्टार्ट हुआ था वो गाड़ी अभी भी चल रही है। राधे मूवी का एक्सपीरियंस अगर एक लाइन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ तो एक ही बात मैं कह सकता हूँ, बहुत ही एवरेज एक मूवी है। जिस मूवी में ना ही स्टोरी अच्छा है, ना ही स्क्रीन प्ले अच्छा है, ना ही डायरेक्शन, ना ही म्यूजिक, और एक्टिंग का बात तो आप छोड़ ही दीजिए। अगर आप लोग एक कॉमर्शियल और मसालेदार मूवी के हिसाब से ये मूवी देखने बैठेंगे तो ये आपको पसंद नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों को। सलमान भाई की डूबती नैया पार लगाने के लिए जो प्रभुदेवा जी ने कोशिश की वो फिर से डूब गई। तो मूवी की शुरुआत होती है मुंबई से, जहाँ पे कभी ना खत्म होने वाला क्राइम अभी भी चल रहा है और साथ ही साथ भाईगिरी और माफिया ने आतंक मचा रखा है और अभी ड्रग्स के धंधे भी जोरों शोरों से आसमानों की बुलंदियां छू रही है। रीजन, 3 आदमी दिल्ली से मुंबई आते हैं पैसे के लालच में, जो कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों को इस्तेमाल करके अपना ड्रग्स का बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। पुरानी फिल्म वांटेड की तरह जब मुंबई के सारे कॉप नाकाम हो रहे हैं तभी एंट्री होती है सुपर कॉप राधे की। राधे के डिक्शनरी में डर नाम का कोई शब्द नहीं है, वो दुश्मनों के घर में घुस के मारते हैं अपने इंडियन आर्मी की तरह। इसके बाद की कहानी आप सब लोगों को पता है, सलमान भाई थोड़ी ना हारेंगे, अगर सामने थैनोस भी आ जाए तो सलमान भाई से टक्कर लेने वाला जीरा किसी के पास नहीं। अगर मूवी को दो पार्ट में डिवाइड करें तो फर्स्ट हाफ पूरा बकवास है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मौका था स्क्रीन प्ले राइटर वहीं पे सो गया और इसी वजह से ऑडियंस भी सो जाएगी। ऐसे कमर्शियल मूवी में सलमान भाई की एंट्री ही सबसे ज्यादा ताली ले जाती है, लेकिन इस मूवी में इतनी घटिया एंट्री की वजह से लगता है सलमान भाई के फैंस भी नाराज होंगे प्रभु जी से। इतनी एवरेज एंट्री मुझे तो नहीं लगता सल्लू भाई ने कभी लिया होगा। दिशा इस मूवी में क्या कर रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सल्लू भाई जैसे कोई स्कीम के तहत दिशा को नौकरी में रखे हैं, दिशा को एक्टिंग में कोई दिशा दो। फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे मैगी से भी फास्ट तैयार हो गई थी, पर बिना मसाले की। सल्लू भाई ने बहुत कोशिश की वांटेड की तरह इस मूवी में भी वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए, पर वो नहीं हो सका और इसी वजह से ना ढंग का एक्शन हो पाया है और ना कॉमेडी। और इस मूवी में जो सबसे ज़्यादा मुझे मिसिंग पॉइंट लगा वो थे सलमान भाई के वन लाइनर। इस मूवी में कोई भी वन लाइनर अच्छा नहीं है। दिशा की तरह ही जैकी दादा को इस मूवी में क्यों रखा गया है मुझे पता नहीं चला, अगर आप लोगों को पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। रणदीप हुड्डा, हाँ बस इसी बंदे ने तबाही मचाई हुई है इस मूवी में। अपने दमदार एक्टिंग के दम पर एक एवरेज नेगेटिव किरदार भी बहुत अच्छे से प्ले किया है। मूवी की डायरेक्शन ही इस मूवी को ले डूबा, एक सीन में सलमान भाई के पीछे छुड़ा और दूसरे सीन में ही सल्लू भाई के गोद में दिशा, मूवी का पूरा पकड़ ही खराब कर देता है। जैसे ठीक से कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो पाता है वैसे ही स्टोरी, और इसी वजह से सल्लू भाई के जो फ्लॉप्स मूवीज है उसी लिस्ट में सीना चौड़ा करके राधे भी अपना नाम लिखा देता है। मूवी के गाने के बारे में अगर कुछ बताने जाओ तो वो मेरी बस की बात नहीं है। जिस टाइम पे आप लोग यूलिया वेंतुर के गाने सुन के उसे समझ पाए शायद उस टाइम पे आप कोई दूसरा भाषा सीख जाए। सबसे ज़्यादा घटिया VFX का अगर किसी को ऑस्कर मिलना चाहिए तो राधे मूवी को मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंट बिगड़ जाता है ये घटिया और एवरेज VFX देख के। जो लोग इस मूवी को अच्छा बता के ऑडियंस को ये मूवी देखने में मजबूर कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस कमेंट में मुझको बताइएगा, मैं उन लोगों के ऑटोग्राफ लेने के लिए बेचैन हूँ। जो लोग मूवी देख चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और जो लोग नहीं देखे वो लोग भगवान के भरोसे देख ही सकते हैं, तो आप लोग भी देख के मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के रिव्यू पर, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।